वह इतना ज्यादा कुछ कर देते हैं, रिजल्ट एक साथ इतना ज्यादा दे देते हैं ना कि समझ लीजिए कि उनके जो बच्चे हैं, पीढ़ी हैं, वो कभी उसको मतलब तकलीफ में रहना ही नहीं पड़ता है ना। तो ये चीजें आती हैं अंदर से निकल के, तो आपको वो कार्य करने पड़ेंगे। कम से कम मुश्किलों को अब झेलिए। एक साल आपने झेला, दो साल झेला, तीन साल झेला आपने, तो लगा कि अब मैं एग्जाम नहीं बीट कर पाऊंगा, तो इस तरह से आप एग्जाम को क्विट कर देते हैं। तो हमें क्विट नहीं करना है, उस चीज को झेलना है थोड़े से समय के लिए और, क्योंकि हम उसमें आए ही क्यों थे फिर जो हमें जाना है। तो थोड़े से समय और ही बचे होंगे, जो आपको हो सकता है आपके लास्ट सीढ़ी ही बची हो आपका, जो कि आपके फाइनल सिलेक्शन को दिला दे या फिर फाइनली आपको सक्सेस दिला दे। पता है दुनिया में राज सन की लोगों ने ही क्यों किया है, क्योंकि उन्होंने 16-16 सालों से लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं, हार नहीं मानते। लेकिन हम जैसे लोग मात्र एक साल में ही हार मान जाते हैं और बोरिया बिस्तर समेट कर निकल पड़े हैं।